नमस्कार दोस्तों, आशी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद खूबसूरत नीटिंग पैटर्न लाई हूँ। ये पैटर्न 8 रो का है और इसे बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 2 2 2 2 2 2 2 और एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी आप 8 नंबर में कितने भी फंदे ले सकते। 800 का ये डिजाइन है, बेहद खूबसूरत। आप इसे चाहे बच्चों के स्वेटर में बनाइए या फिर किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में इसे डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। बनाना भी बहुत ही आसान है। आप अगर न्यू लर्नर है तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो मैंने 15 फंदे डाले हुए हैं। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। हमारा डिजाइन सामने की तरफ से शुरू होगा तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब पहली लाइन में हम सभी फंदों को दूसरे कलर के उनसे पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा लीजिएगा। पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। हमें पहली लाइन भी सीधे बुननी है और दूसरी लाइन में भी सभी फंदों को सीधा बुनना है। पहले और आखिरी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये एज स्टिच है। आखिरी फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 2 लाइन सीधा सीधा बुना जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ गई। अब तीसरे लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तीसरी लाइन में अपने मेन कलर से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए, बुनना चाहें तो आप उल्टा बुन लें और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा। आप इसे कार्डिगन में डालिए, चाहे बच्चों के टोपी में डालिए। तो हमने ये 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम अपने दूसरे कलर के उनसे बुनाई करेंगे। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे के नीचे आइए, देखिए ये गुलाबी वाला जो हमने बुना था, ये दोनों तरफ से सीधा बुनने से ये उल्टा फंदा बन गया है। तो इसे उठाएंगे और सिलाई पे ऐसे लगा लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 2 फंदों को हमें दोहराना है, यानी हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा।
अब देखिए इस फंदे के नीचे हम आएंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसको उठाएंगे, उठा के और सिलाई पे ऐसे रख देते हैं। अब दोनों फंदों को जिसे हमने उठाया है और ये जो फंदा है, इन दोनों को हम लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। दोनों को हमने एक कर लिया, अब इसे हम गिरा देंगे, अगला फंदा सीधा। तो दो ही फंदे का ये डिजाइन है, उठाया, सिलाई पे चढ़ाया, फिर दोनों को एक साथ लेके बैक लूप से सीधा, अगला फंदा सीधा। तो दो फंदों का ये रिपीट पैटर्न है, इसे ही हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। फंदे के नीचे आएंगे, उल्टा वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसे सिलाई पे चढ़ा देंगे और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा। फंदा है, इसके नीचे आएंगे, उल्टे वाले फंदे को उठाएंगे और अगला फंदा हम ऐसे बुनेंगे, दोनों को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे, तभी भी हमारा वैसे ही बनेगा, अगला फंदा सीधा। बुना और सिलाई इस फंदे के नीचे से भी निकाल लेंगे, अगला फंदा सीधा। तो ये हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। हमने छह लाइन कंप्लीट कर लिया। सातवें लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। सातवीं लाइन में पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा। और आठवीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। पांचवा लाइन हमारा मेन लाइन है, बाकी लाइनों में हमें या तो सीधा बुनना है या फिर उल्टा बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आठ लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हमें इन्हीं आठ लाइनों को फिर से ऊपर ऊपर दोहराना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।